A very warm morning to all. Welcome back to our online class. This is Zoya Akhtar, your science teacher, and uh, I'm here with a new video with the previous topic, and that was chapter 1 reproduction in plants from class 5th. मैं पिछले वीडियो में मैंने आधे चैप्टर को ख़त्म किया था जो कि चैप्टर फर्स्ट था क्लास फिफ्थ का साइंस से रिलेटेड जो कि था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उससे रिलेटेड ये चैप्टर था तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था याद होगा आपको बिल्कुल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रो, प्रो, के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम किसी प्लांट के पार्ट से वापस एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर लेते हैं या प्रोड्यूस कर लेते हैं या उगा लेते हैं तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और जिस पार्ट से हम वेजिटेटिव प्रोपोगशन कराते हैं उसे कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स बाकी आपने रूट से सीखा यहाँ पे आपने लीव से सीखा लीव्स के बहुत अच्छे एग्जांपल्स थे वो आपके ब्रायोफिलम लीव ठीक है फिर आपने अंडरग्राउंड स्टेम सीखा रनर और सकर सीखा दो टाइप के स्टेम्स ठीक है और प्लांट फ्रॉम कोन्स भी सीखा अब हम लोग देखेंगे यहाँ से आते हैं आज की हमारी टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब यहाँ आप देख सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एडवांटेज का मतलब होता है प्रॉफिट ठीक है क्या फ़ायदा होता है हम हमको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्लियर तो चलिए फ़ायदों को हम काउंट नहीं करेंगे फ़ायदों को हम फटाफट देख लेते हैं कि कितने सारे फ़ायदे हम लोगों को मिल सकते हैं वो चाहे दो हो चाहे तीन हो फ़ायदा तो फ़ायदा होता है तो देखिए पहले हम लोगों को फ़ायदा क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ फास्टर मेथड टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट जो वेजिटेटिव प्रो प्रोपेशन है वो बहुत ही तेज़ वाला मेथड है जिससे एक नया प्लांट लग सकता है जैसे आप अगर बीज डालते हैं तो बीज को आप पानी डालेंगे खाद डालेंगे फिर वो कहीं जाके फूटेगा ठीक है बर्स्ट आउट होगा फिर जर्मिनेट होगा फिर कहीं जाके एक छोटा सा पौधा निकलेगा ऐसे ऐसे करते बहुत लंबा प्रोसेस लगता है उसको एक अच्छे से हर्ब और बनने में या फिर प्लांट बनने में और जबकि अगर आप किसी स्टेम को किसी लीफ को किसी पार्ट को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से अगर आप किसी दूसरे पौधे को को लगा देते हैं तो वो थोड़ा सा फास्टर मेथड होता है वो जल्दी उग जाता है जैसे आपने कलम काट के लगा दी गुलाब की तो आपको बहुत ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करना पड़ेगा वो कलम जिस दिन बैठ गया उस जमीन में उसके बाद से वो फिर शुरू हो जाएगा अपना प्लांट निकलना ठीक है तो ये बहुत फास्टर मेथड होता है फिर देखिए इट इज़ अ वेरी यूजफुल मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस प्लांट्स सच एज़ ग्रेप्स एंड बनाना ये उन आ, क्या नाम है सीडलेस प्लांट्स के लिए जिसके पास बीज नहीं होते ऐसे प्लांट्स के लिए दोबारा से प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेथड है जैसे कि ग्रेप्स और बनाना ठीक है फिर है कि द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर दैन द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूज बाई सीड्स जो सीड से मैंने जैसे आपको पहले लाइन में बताया था कि सीड से आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा उसकी अपेक्षा जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आप अगर लगा रहे हैं क्या नाम पौध है पौधे तो उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें फिर देखते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है अब रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स सीड्स के जरिए कैसे आपने अभी तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से समझा था अब सीड के जरिए आपको सुनना है कि किस तरीके से सीड के जरिए रिप्रोडक्शन होते हैं प्लांट्स में प्लांट्स दैट वन दैटे प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लारिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स होते हैं उनको हम कहते हैं फ्लारिंग प्लांट्स फ्लार टर्न इंटू फ्रूट्स जो फ्लावर्स होते हैं सबसे पहले पेड़ में फ्लावर ही उगते हैं ठीक है ठीके? फिर वो टर्न होते हैं बर्स्ट होते हैं तब वो फ्रूट कंटेन करते हैं ठीक है फ्रूट बन जाते हैं और उसमें क्या होते हैं सीड होते हैं क्या होते हैं बीज होते हैं यानी कि कोई भी पौधा लगता है तो सबसे पहले उसमें छोटे छोटे फूल आते हैं फिर वो जब बर्स्ट होता है फूटता है तो वो फ्रूट का रूप लेता है और जब वो रूप, जो फ्रूट होता है उसके अंदर उसका बीज भी पाया जाता है सो वी कैन से दैट फ्लावर्स आर द ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर फ्लारिंग प्लांट्स यानी कि अगर वो फ्लार वाला पार्ट है मतलब फ्लार वाला पौधा है तो उसमें जो रिप्रोडक्शन पार्ट है वो क्या है उसका फ्लार देखिए यहाँ पे एक फ्लावर बना हुआ है और फ्लावर का जो ये पार्ट है इसको आप बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि इसमें दो टाइप के फ्लार्स मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं ठीक है तो कौन सा मेल पार्ट है कौन सा फीमेल पार्ट है इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा वरना ये भूल जाता है सबसे पहले देखिए द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर सेपल्स पेटल्स स्टेमन एंड पिस्टल ठीक है सेपल्स पेटल्स स्टेमन एंड पिस्टल ये फिगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करें उसके बाद मैं एक वीडियो और आपको दूंगी जिसमें मैंने फ्लावर एक्सप्लेन किया है ठीक है बहुत पहले की वीडियोस हैं ये सब तो मैं उसको भी इसके साथ ही ज़रूर अपलोड करूँगी कोशिश करूँगी अपलोड करने की तो उसमें आप ज़रूर देखेंगे उसको मैंने प्रैक्टिकली समझाया है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा फ़िलहाल आपके बुक में है तो इसको भी आप नॉर्मली देख सकते हैं देखिए क्या लिखा हुआ है द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सेपल्स पेटल्स स्टेमन एंड पिस्टल सबसे पहले आप इसमें ढूंढना शुरू करें सेपल्स क्या होता है देखिए यहाँ पे सेपल्स लिखा है ये देखिए पेटल्स यहाँ लिखा है यहाँ पे पेटल्स था फिर है स्टेमन स्टेमन ढूंढिए यहाँ लिखा हुआ है और फिर है पिस्टिल पिस्टिल यहाँ लिखा हुआ है ये चार पार्ट मेन होते हैं किसी भी फ्लावर के लिए सेपल्स आपको दिख रहा होगा जो गुलाब की सॉरी किसी भी फ्लावर के ऊपर जो ग्रीन कलर की लीफ लगी होती है डंठल से अटैच्ड उसी को कहते हैं सेपल्स पेटल्स का मतलब पंखुड़ी होता है किसी भी फ्लावर का जो हम लोग रेड कलर व्हाइट कलर जो भी आप पंखुड़ी देख रहे हैं उसको कहते हैं पेटल्स फिर इस्टेमन इस्टेमन देखिए यहाँ पे क्या है जो ये पतले पतले धागे की तरह संरचनाएँ दिख रही हैं ना यहाँ पे ये वाली ये देखिए ये सब ये सब जो दिख रही हैं ये सब आपके हैं क्या स्टेमिन uh, और जबकि ये जो इधर वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको ये पूरा पिस्टिल है ये वाला नहीं ये, ये वाला ये जो सुराही की तरह का स्ट्रक्चर है ना ये है आपका पिस्टल ठीक है अब देखते हैं कि सबका अलग अलग काम क्या दे रखा है सेपल्स लुक, लुक लाइक ग्रीन लीव्स एट द बॉटम ऑफ द फ्लावर सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन लीव्स की तरह दिखते हैं वो बॉटम पे होते हैं नीचे की तरफ होते हैं दे प्रोटेक्ट द बर्ड ये क्या करते हैं कली को संभालते हैं कली को प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है इन मोस्ट फ्लावर्स जो ज़्यादातर फ्लावर्स में पेटल्स आर ब्राइटली कलर सबसे ज़्यादा खासियत क्या होती है पेटल्स पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ लगभग फ्लावर्स में पेटल्स जो हैं वो कलरफुल ज़्यादा डार्क कलर की होती हैं दे मेक द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल और उन्हीं के वजह से जो फूल है वो खूबसूरत दिखता है दे हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन वो अट्रैक्ट करती हैं किसको uh, कीड़ों को ठीक है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं कौन पेटल्स क्योंकि खूबसूरत होती हैं जब हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके प्रति तो कीड़े तो खैर होंगे ही तो पॉलिनेशन के लिए वो अट्रैक्ट करते हैं कीड़ों को द स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर यहाँ से आपको लर्न करने वाली बात आ गई स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है यहाँ आपने देखा था ना ये है स्टेमन इसको कहते हैं मेल पार्ट ये ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना इसको स्टेमन कह अरे ये जो वाइट कलर के इस कलर के धागे हैं थोड़े से येलोइश टाइप ठीक है ये जो धागे की तरह संरचना है इसी को कहते हैं स्टेमन इसके दो पार्ट्स होते हैं जो धागे की तरह लंबी रेखा है उसको कहते हैं फिलामेंट और जो गोल गोल सा दिख रहा होगा उसको कहते हैं एंथर दोनों को मिला के स्टेमन कहते हैं तो स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है ये बात याद रखनी है आपको स्टेमिन मेल पार्ट होता है फ्लार का इट इज मेड अप ऑफ थिन स्टॉक कॉल द फिलामेंट विद लाइक हेड कॉल एंथर एक धागा जो धागे की तरह खींचा हुआ दिखेगा वो होता है फिलामेंट और जो बैग की तरह पैक दिख रहा है व्हाइट व्हाइट वो होता है एंथर इन दोनों से मिलता है स्टेमेंट बनता है जो कि है मेल पार्ट द पिस्टल द एंथर कंटेन्स द पॉलिन ग्रेन सबसे बड़ी बात कि एंथर में ही वो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं जिससे दूसरे फ्लावर भी जन्म ले सकते हैं द पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ठीक है जो पिस्टल आपने देखा था यहाँ पे वो क्या था फीमेल पार्ट था इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स ठीक है इसमें तीन पार्ट्स होते हैं कौन अ स्मॉल एंड बेस कॉल द ओवरी ये जो उभरा हुआ खूब मोटा सा पार्ट है इसको कहते हैं ओवरी फिर है द ओवरी कंटेंट्स स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल ओव्यूल्स और उस ओवरी में छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको कहते हैं ओव्यूल्स ठीक है अ स्टॉक अराइज फ्रॉम द ओवरी एंड इट्स कॉल्ड द स्टाइल और जब ये स्टॉक थोड़ा सा बड़ा होता है मतलब ये जो आपने ओवरी देखा जब ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो देखिए यहाँ पे पतला सा सुराही की तरह नली जाती है उसको कहते हैं स्टाइल क्या कहते हैं स्टाइल द स्टाइल एंड्स एट द स्टिग्मा एट द टॉप और जो स्टाइल है वो एंड होता है स्टिग्मा पर देखिए यहाँ पे स्टिग्मा ये जो आपको दिख रहा होगा ये स्टिग्मा है मतलब ये तीनों पार्ट मिला के पिस्टल बनता है जो कि है फीमेल पार्ट ठीक है फिर है द फ्लावर इज अटैच टू स्टॉक कल पेडिसल ये देखिए यहाँ पे आपको पेडिसल भी दिख रहा होगा ये जो पूरा फ्लावर का स्टॉक है ये कहाँ पे अटैच होता है ये एक डंठल से अटैच होता है इसी को कहते हैं पेडिकल क्या कहते हैं पेडिसल फिर देखिए क्या कह रहा है इट इज इन लास्ट टू फॉ फॉम फाउंड एट सेंटर ऑफ द बेज ऑफ द फ्लावर ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ये जो बिल्कुल डंठल का मोटा वाला हिस्सा होता है जहाँ से वो पूरे सेप्पल्स निकले होते हैं उसको कहते हैं रेसेप सॉरी उसको कहते हैं रिसिपटेकल यहाँ आपको दिख रहा होगा रिसिप्टैकल ठीक है चलिए इतनी बातें हम लोगों ने फ्लावर्स के बारे में जानी पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर एक नज़र में देख लीजिए सेपल्स होते हैं पेटल्स होते हैं मेल और फीमेल होते हैं मेल में दो मतलब मेल वाले पार्ट को स्टेमन कहते हैं और फीमेल पार्ट को पिस्टिल कहते हैं मेल में जो स्टेमन उसके दो हिस्से हैं एंथर और फिलामेंट जबकि पिस्टल में तीन हैं स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ठीक है ये आपने एक नज़र में देख लिया फिर है छोटा सा टॉपिक और रिप्रोडक्शन इन फ्लारिंग प्लांट्स रिप्रोडक्शन होता कैसे है फ्लारिंग प्लांट्स में ये जरा सा देख लेते हैं मोस्ट फ्लारिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स ज़्यादातर जो फ्लॉरिंग प्लांट्स होते हैं वो सीड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं अभी मैंने आपको बताया बताया दिस इन्वॉल्वस द फॉलोइंग स्टेप्स और ये फॉलोइंग स्टेप्स मतलब ये नीचे कुछ स्टेप्स बताए जा रहे हैं इतने स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं पहला एडल्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस प्रोड्यूस फ्लावर्स जब एडल्ट प्लांट हो जाता है तो वो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है फ्लावर्स हैव मेल एंड फीमेल पार्ट्स फ्लावर्स में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं मेल पार्ट्स कंटेन स्मॉल ग्रेन्स ऑफ पॉलन ठीक है जो मेल पार्ट होता है उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं द पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द फीमेल पार्ट ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर दिस इज कॉल्ड पॉलीनेशन जब वो पोलन जो ग्रेन है उसके अंदर वो किसी के ज़रिए से हवा से किसी जानवर की वजह से किसी के कि फर के वजह से अगर वो किसी भी रीज़न से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ठीक है फीमेल पार्ट तक किसी भी तरीके से अगर वो दूसरे फ्लावर के या उसी फ्लावर के मतलब उसी प्लांट के फ्लावर दूसरे फ्लावर पर अगर वो सफ़र करता है मतलब इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन क्लियर फिर कह रहा है आफ्टर पॉलिनेशन द पेटल्स एंड फॉल ऑफ पॉलिनेशन के बाद जो फेटल पेटल्स और स्टेमन्स हैं वो फॉल ऑफ हट जाते हैं द ओवरी स्वेल्स अप जो ओवरी है वो उभरती है सूजती है फूलती है एंड चेंजेस इंटू अ फ्रूट और वो क्या बन जाता है फ्रूट बन जाता है एंड द ओव्यूल्स चेंजेस टू इंटू सीड्स और जो ओव्यूल अंदर का पार्ट था वो सीड बन जाता है दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और इसी को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन ठीक है दीज सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स इन्हीं सीड की वजह से न्यू प्लांट्स उगते हैं एंड दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट और ये क्या होता है पूरा लाइफ साइकिल होता है किसी भी प्लांट का आप इसे स्ट्रक्चर को बहुत गौर से देख सकते हैं ठीक है यहाँ पे आप देखिए स्टार्टिंग सीड प्लांटिंग फिर जर्मिनेट हुआ स्प्राउट हुआ सीडलिंग हुआ प्लांट विद फ्लावर्स आ गए फिर फ्लावर्स जो है वो फ्रूट्स में टर्न हुआ और वो फिर फ्रूट्स जो हैं कंप्लीट फ्रूट सीड के साथ हो गए अब देखिए प्लांट्स लाइफ का साइकिल कितने इजी वे में आपको यहाँ पे समझा दिया गया है आई होप दैट यू ऑल हैव इन्जॉयड द वीडियो इफ़ यू हैव एनी डेप्ट एंड डाउट एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ओके इन द कमेंट बॉक्स ओके हैव अ गुड डे बाय